भगवान के सभी अवतार सृष्टि के संतुलन हेतु ही हुए हैं। धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करने हेतु ही भगवान धरती पर जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु ने भी ऐसे ही कई अवतार लेकर हमारी सृष्टि को पापियों से मुक्त किया है। उस अवतार में से एक अवतार है वामन अवतार। भगवान विष्णु ने एक बटुक ब्राह्मण के रूप में धरती पर पांचवा अवतार लिया था। प्रहलाद के पुत्र विरोचन से महाबाहु बलि का जन्म हुआ। दैत्यों का राजा बलि बड़ा पराक्रमी राजा था। उसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसकी शक्ति से घबराकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने अदिति और कश्यप के यहाँ जन्म लिया। एक समय वामन रूप में विराजमान भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ पहुँचे। उस समय राजा बलि यज्ञ कर रहा था। वामन रूप में भगवान विष्णु राजा बलि से भिक्षा मांगते, पर शुक्राचार्य बलि को यज्ञ से उठने की अनुमति नहीं देते। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, कहाँ जा रहे हो राजन? अभी यज्ञ की पूर्ण आहुति देनी बाकी है, अभी आप उठकर नहीं जा सकते। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, बैठ जाओ राजन, तुम यज्ञ छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु बलि के द्वार पर यदि कोई भिक्षुक आए और उसे भिक्षा के लिए भी दो बार गुहार करनी पड़े तो बलि की दानी वृत्ति को 100 बार धिक्कार है। अब मैं नहीं रुक सकता। रुक जाओ वत्स, रुक जाओ। गुरु शुक्राचार्य के रोकने पर राजा बलि नहीं रुकते। वो ब्राह्मण देव से पूछते हैं। प्रणाम ब्राह्मण देव, कहिए आपको क्या चाहिए? राजन, मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ, मैं भला आपसे भिक्षा के अतिरिक्त और क्या मांग सकता हूँ? क्या भिक्षा चाहिए आपको? स्वर्ण, हीरे, मोती, जवाहरात, हाथी, घोड़े? मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए राजन। तो फिर आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कहिए ब्राह्मण देवता, जो भी आपकी आवश्यकता है। यदि मेरे बस में होगा तो मैं उसे पूरा करने में तनिक भी संकोच नहीं करूँगा। राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि? ब्राह्मण देव, आप क्या करेंगे 3 पग भूमि का? राजन, मैंने तो सुना था कि दानी बलि ना तो ये पूछता है कि वो दान किसे दे रहा है और ना ही ये पूछता है कि मांगने वाला दान में क्या चाह रहा है। मैंने इसलिए ऐसा कहा ब्राह्मण देव, क्योंकि एक साधारण मनुष्य के लिए भी 3 पग भूमि बहुत कम होती है और आपके आकार वाले व्यक्ति के लिए तो 3 पग भूमि और छोटी पड़ जाएगी। उसमें तो साधारण व्यक्ति खड़ा भी नहीं हो पाएगा। राजन, मैं ये 3 पग भूमि किसी साधारण मनुष्य के लिए नहीं मांग रहा हूँ, ये मैं अपने लिए मांग रहा हूँ। आपकी क्षमता हो तो भिक्षा दान करें, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगा ब्राह्मण देव, पर मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि आप महासागर से एक बूंद पानी की मांग कर रहे हैं। इतना छोटा दान देते हुए तो सचमुच मुझे बहुत लज्जा आ रही है। कुछ और मांगे ब्राह्मण देव, जिसे देते हुए मुझे गर्व महसूस हो। वामन अवतार में भगवान विष्णु राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने पर ही अड़े रहे। शुक्राचार्य अपनी आंखें बंद करके ध्यान करते हैं और वामन अवतार में भगवान विष्णु को पहचान जाते हैं और वो राजा बलि को ब्राह्मण को कुछ भी ना देने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि ये वामन वेश में स्वयं भगवान विष्णु हैं। राजा बलि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा करता था और भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहता था। अपने समक्ष भगवान विष्णु को देखकर राजा बलि प्रसन्न हो जाता है। गुरुदेव, मेरे समक्ष भगवान विष्णु खड़े हैं, ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जानते नहीं हो राजन, ये विष्णु तुम्हें ठगने आया है, तुम्हें दंड देने आए देवताओं ने ही इसे भेजा है। गुरुदेव, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान विष्णु यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं, मैं तो बस उनके दर्शन करके कृतार्थ हो गया। आज भगवान विष्णु स्वयं मेरे द्वार पर आए हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। राजन, ये छलावा है, ये विष्णु आपको ठगने आया है, आप इसे कुछ भी मत देना। महाराज, यदि आप मुझे भिक्षा नहीं देना चाहते तो मैं यहाँ से प्रस्थान कर लेता हूँ। रुकिए ब्राह्मण देव, मैंने आपको 3 पग भूमि दे दी। तो ठीक है राजा बलि, तुम इस कमंडल के जल को हाथ में लेकर संकल्प लो।
मुझे राजा बलि को रोकना होगा। अब एक ही रास्ता है, मैं इस कमंडल में समा जाता हूँ। शुक्राचार्य कमंडल में समा जाते हैं और जल को बहने से रोक देते हैं। लगता है कोई कंकड़ जल का मार्ग रोक रहा है, जरा तीली से इसे बाहर निकाल दूं। वामन देव शुक्राचार्य की आंख में तीली चुभो देते हैं। शुक्राचार्य की आंख फूट जाती है और वो दर्द से कराहते हुए वहाँ से गायब हो जाते हैं। राजा बलि ब्राह्मण देव को 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लेता है। देखते ही देखते भगवान विष्णु अपना आकार बड़ा कर लेते हैं। राजा बलि उनके समक्ष हाथ जोड़कर प्रसन्नता से खड़े हो जाते हैं। वामन रूप में भगवान विष्णु ने पहला भाग नापकर धरती और पाताल को नाप लिया था। दूसरा पग उठाकर भगवान विष्णु ने समस्त नक्षत्र मंडल और आकाश को नाप लिया था। तीसरा पग उठाने से पहले भगवान विष्णु बलि से बोले, तुम जानते हो बलि, मैंने 3 पग भूमि मांगी थी, तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान ही शेष नहीं रह गया। अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? जानता हूँ प्रभु, आपने 2 पग रखकर पूरी सृष्टि, मेरा राजपाट, मेरे द्वारा जीते हुए सारे क्षेत्र ले लिए हैं, पर राजा बलि ने दान करने का जब भी संकल्प लिया है उसे सदैव पूरा किया है, इसलिए अभी भी 1 स्थान शेष है जो मेरा है, वो है मेरा शरीर। आप मेरे शीश पर अपना 3रा पग धरिए ताकि संसार ये जान ले कि बलि अपना वचन निभाना जानता है। कृपया करके उठाइए अपना पग और धर दीजिए मेरे शीश पर। हे बलि, यदि तुम चाहते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा उद्धार इसी में है तो मैं तुम्हारे शीश पर अपना पग रखता हूँ। भगवान विष्णु ने वामन रूप में राजा बलि के सिर पर अपना पग धरा और बलि पाताल में समाता चला गया। राजा बलि अपने भक्ति मार्ग से भटककर अहंकार और दुराचार के मार्ग पर चल पड़ा था। उसे सही राह पर लाकर भगवान विष्णु ने राजा बलि का उद्धार किया और उसकी दान प्रियता से प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक पर अनंत काल तक राज करने का आशीर्वाद प्रदान किया। पृथ्वी की रक्षा और जन कल्याण के हित के लिए अनेकों बार भगवान विष्णु की भांति भगवान शिव ने भी अवतार लिया है। भगवान शिव द्वारा लिया गया ऐसा ही एक अवतार है बटुक अवतार। बटुक का अर्थ होता है छोटा बच्चा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी ने हुंड नामक दैत्य को अपनी बाल्यावस्था में एक श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु अशोक सुंदरी के होने वाले पति नहुष के हाथों ही होगी। इसलिए बाल्यावस्था में ही हुंड ने नहुष का वध करने की योजना बनाई। मैं अशोक सुंदरी के श्राप को सिद्ध होने से पहले ही नष्ट कर दूंगा। मैं बाल्यावस्था में ही नहुष और अशोक सुंदरी का वध कर दूंगा। मुझे ये बात माताश्री को बतानी होगी। माताश्री, माताश्री, आप कहाँ हो? मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। क्या हुआ अशोक सुंदरी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो पुत्री? माताश्री, हुंड राक्षस नहुष को मारने के लिए निकल चुका है। वो नहुष का वध करने वाला है, उसको रोक लीजिए माताश्री, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हुंड राक्षस की इतनी हिम्मत कि वो नहुष की हत्या करने का साहस कर बैठा। आज हुंड दैत्य को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। देवता, ऋषि, मुनि सब हुंड के प्रकोप से तंग आ चुके हैं। अब मुझे उसका संहार करना ही होगा। देखते ही देखते माँ पार्वती माँ काली के रूप में आ जाती हैं। उनका क्रोध बढ़ रहा था। वो हाथों में खड्ग लिए हुंड के वध के लिए निकल पड़ती हैं। किंतु यदि वो हुंड का वध कर देती तो वो प्रकृति के खिलाफ हो जाता, क्योंकि हुंड दैत्य का वध नहुष के हाथों ही लिखा था, इसलिए माँ काली को रोकना जरूरी था। पर उनके क्रोध को कौन रोकेगा, यही समस्या थी। नारायण नारायण, प्रभु माँ काली तो क्रोध में आकर हुंड का वध करने निकल चुकी हैं। अब इनके क्रोध को कौन शांत करेगा, कौन इन्हें रोकेगा? आप सही कह रहे हैं देवर्षि नारद, माँ काली को यदि रोका नहीं गया तो अनर्थ हो जाएगा। अब तो सिर्फ महादेव ही उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं। जिस प्रकार उन्होंने पहले भी कई बार माँ काली के मार्ग में आकर उनके क्रोध को शांत किया है, आप तो जानते ही हैं देवर्षि नारद, जब देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित होती हैं, तो वो महाकाली का रूप धारण कर लेती हैं और फिर
उनके क्रोध को शांत करना असंभव हो जाता है। इतनी देर में सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास प्रकट होते हैं। प्रभु, देवी काली अत्यंत क्रोधित हो चुकी है, संसार भय से कांप रहा है। प्रभु कुछ कीजिए, प्रभु कुछ कीजिए। आप चिंतित मत होइए देवराज इंद्र, हम सब भगवान शिव के पास चलते हैं। महादेव, सभी देवी देवता आपके पास विनती हेतु आए हैं, इनकी सहायता कीजिए। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ ब्रह्मदेव, आखिर क्या हुआ है? महादेव, हुंड दैत्य को पता चल चुका है कि भविष्य में उसका वध आपके होने वाले जामाता नहुष के हाथों ही होगा, इसलिए वो उसकी हत्या हेतु निकला है। देवी पार्वती इसी कारण क्रोध में आ गई हैं और उन्होंने माँ काली का रूप धारण कर लिया है। अब उनके क्रोध को केवल आप ही शांत कर सकते हैं देवाधिदेव। काली के क्रोध को शांत करने के लिए मुझे उनके सामने जाना होगा। सभी देवी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान भोलेनाथ देवी काली के समक्ष प्रकट होते हैं। देवी काली क्रोध की अग्नि में जल रही थी। वो भगवान शिव को अपने सामने देखकर विशाल रूप धारण कर लेती हैं और उनका क्रोध अत्यधिक बढ़ जाता है। शिव जी भी उन्हें रोकने के लिए अपना विशाल रूप धारण कर लेते हैं। रुक जाओ देवी पार्वती, शांत हो जाओ। नहीं, अब मेरा क्रोध तभी शांत होगा जब मैं हुंड दैत्य का वध करूंगी। देवी पार्वती, यदि आपने हुंड का वध कर दिया तो हमारी पुत्री अशोक सुंदरी द्वारा दिए गए उस श्राप का क्या होगा? वो श्राप व्यर्थ जाएगा। आप उस श्राप की मर्यादा को कैसे भंग कर सकती हो? आप जानते हैं प्रभु, हुंड ने हमारी पुत्री और होने वाले जमाता को मारने का दुस्साहस किया है और आप कहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं? नहीं। देवी पार्वती, आसमान की ओर देखिए, सभी देवी देवता आपके इस रौद्र रूप को देखकर घबरा रहे हैं। शांत हो जाओ पार्वती, यही संसार के हित में है। नहीं, अब मुझे कोई शांत नहीं कर सकता। आप मेरे मार्ग से हट जाइए, मैं आज नहीं रुकूंगी। पर रुकिए देवी पार्वती, हमारी पुत्री अशोक सुंदरी और नहुष दोनों ही सकुशल हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। नारायण नारायण, अब क्या होगा प्रभु? माता तो क्रोध की अग्नि में आगे बढ़ चुकी है, अब महादेव माता को कैसे शांत करेंगे? उन्होंने तो महादेव की बात को मानने से भी इनकार कर दिया है। देवर्षि नारद, भगवान शिव के होते हुए हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो देवी काली के क्रोध को शांत अवश्य करेंगी, आप निश्चिंत रहिए। माँ काली क्रोध में आगे बढ़ती जा रही थी, तभी उन्हें एक बालक के रोने की आवाज सुनाई दी। वास्तव में वो बालक कोई और नहीं बल्कि महादेव का ही अवतार था, जो हूबहू दिखने में महादेव की तरह ही था। अपने बाल रूप में महादेव रोए जा रहे थे, उनका रोना बंद नहीं हो रहा था। लगातार रोते बच्चे की आवाज को सुनकर माँ काली रुक जाती है। बच्चे का रोना माँ काली से देखा नहीं गया। वो उस बालक के पास जाती है। छोटे से बालक को रोता हुआ देख माँ काली से रहा नहीं जाता और वो उस बालक को गोद में उठा लेती है। ये बालक क्यों रो रहा है? ये बालक तो चुप ही नहीं हो रहा, लगता है मेरे इस रूप को देखकर ये डर रहा है। मुझे अपने वास्तविक रूप में आ जाना चाहिए। बालक की करुण आवाज को सुनकर माँ काली अपना क्रोध भूल जाती है और वो अपने वास्तविक रूप में आ जाती है और बच्चे को खिलाने लगती है। बालक भी चुप हो जाता है। तभी वहाँ पर देवर्षि नारद और भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ प्रकट होते हैं। देवी पार्वती, ध्यान से इस बालक की तरफ देखिए, आपके क्रोध को शांत करने के लिए ही महादेव ने इस बालक का रूप धरा है, और ये जो रो रहे थे वो इनकी पीड़ा थी। ये जानते थे कि आप इस समय अत्यंत दुखी हैं और आपने अपने क्रोध को और आपने अपने दुख को क्रोध में परिवर्तित कर लिया है, और क्रोध विनाशकारी होता है, ये तो आपको परिचित है देवी पार्वती। इसलिए आपके क्रोध को शांत करने के लिए ही महादेव ने इस बालक का रूप धरा था। आज ये सिद्ध हो गया कि अत्यंत क्रोध को अत्यंत प्रेम भाव से ही शांत किया जा सकता है। महादेव, आज से आपके इस बाल रूप को बटुक अवतार के रूप में जाना जाएगा। सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती पर फूलों की वर्षा करने लगे। उस दिन से भगवान शिव के बटुक अवतार को भक्तगण पूजने लगे।